एक ऐसा होममेड फेस पैक जो आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो, शाइनी और ब्यूटीफुल बनाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना सीक्रेट एक फेस पैक। इस फेस पैक को आप अपने किचन के सामान से ही बना सकती हैं, जिससे आप नेचुरली डेली ब्यूटीफुल लग सकते हो और आपको ज़्यादा मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आपको मैं बताती हूँ फेस पैक बनाने का तरीका। तो पहले आपको लेना है एक चम्मच बेसन और लेनी है थोड़ी सी कॉफ़ी। ये कॉफ़ी ज़्यादा दिन हो गई है तो ये सूख गई है, इसलिए मैं आपको इसके साथ पैकेट भी दिखा रही हूँ कि आपको लगे कि मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ। देन आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। आपको अपने फेस और गर्दन के एरिया के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको ले लेना है फेस पैक। और इसमें नॉर्मल सादा पानी डाल के आपको इसका पैक बना लेना है अच्छा सा। अब इन सब के फायदे आपको शायद ही पता होंगे, तो चलिए मैं ये भी बता देती हूँ। बेसन को तो आप जानते ही होंगे, बेसन हमारे किचन का सबसे हमारे स्किन के लिए हेल्दी उपयोगी चीज़ है, जो हमारे स्किन को ग्लो बनाने में हेल्प करता है। जिसके पिंपल वाले स्किन होते हैं या फिर जिसके दाग धब्बों वाले स्किन है, तो उसके लिए बेसन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने फेस पैक बना लिया है और इसे मैं अपने पूरे फेस पे और नेक एरिया पे अप्लाई कर लूँगी। बेसन के बाद आता है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का तो आप लोग बहुत से जन जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आपका ऑयली स्किन बहुत ही ज़्यादा है तो आप डेली मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाया करो। उससे आपका क्या हुआ कि ऑयल निकलना कम होगा और ये मुल्तानी मिट्टी आपके फेस के जो ऑयल होते हैं वो उन्हें एक्सेस करता है, खींचता है और आपके ऑयल को कम करता है। तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और आपके स्किन को ठंडक देता है, जिससे पिंपल वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ डेली करते हो और स्पेशली गर्मियों में, गर्मियों का सीज़न तो चल ही रहा है, तो डेली करते हो तो आपका स्किन बहुत ही ठंडक रहेगा और आपका पिंपल स्किन ज़्यादा है तो आप डेली मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाया करो। उसमें सादा पानी डाल के या फिर रोज़ वाटर डाल के, चॉइस आपका है। उससे आपका फेस ठंडा रहेगा, जिससे पिंपल्स होने के चांसेस कम रहेंगे। तो पूरे फेस पैक को मैंने कर लिया है अप्लाई अपने फेस और नेक एरिया पे। अब इसे मैं ट्राई होने दूंगी। One hour later. कोई भी फेस पैक मैं लगाती हूँ तो 1-1.5 घंटे जरूर रखती हूँ। तो 1 घंटे बाद मैं इसे वॉश कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। आपको वॉश कैसे करना है कि ऐसे आपको हल्के हाथों से पानी लेना है और ऐसे आपको स्क्रबिंग करना है। आप लोग देख रहे हो कैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। स्क्रबिंग जैसा सर्कुलर मोशन में आपको अपने हाथों को करना है स्किन पे। उससे क्या होगा, जो भी डेड सेल्स होंगे और जो भी हमारा छाई वगैरह कुछ भी एक्ने वगैरह होगा वो धीरे धीरे साफ होगा। इसमें कॉफ़ी भी है तो कॉफ़ी हमारे स्किन को ब्राइट करेगा, शाइन देगा, चमक देगा, जिससे हमारे स्किन को डेली मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा स्किन नेचुरली ऐसे ही चमकेगा। तो आप लोग इसे हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर यूज़ करना। और अगर आप चाहो तो डेली ओनली बेसन या डेली ओनली मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो। रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने कोई मेकअप वगैरह यूज़ नहीं किया है और ये नेचुरल ब्यूटी मेरा आप देख सकते हो। तो उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आई होगी। कि और भी ब्यूटी टिप्स के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आप चैनल पे जाके देखोगे तो आपको ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो एक बार जाके चेक ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय।